हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राउस करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं शरद। और भैया, आज की जो हमारी क्लास है, हम देखने वाले हैं जो पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट होते हैं भैया हमारे पास में, पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देखो, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम बात करेंगे किसकी, खपरा बीटल की। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आज की हमारी जो क्लास है इसके अंदर हम बात करते हैं खपरा बीटल की। और मैं आपको बता दूं ये भी क्या होता है, एक तरीके का ये है आपके पास में स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है ना। ये क्या होता है भाई, एक तरीके का स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये क्या है, एक तरीके का पॉलीफेगस पेस्ट है ना। एक तरीके क्या है, ये पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट होता है जिसका जो क्या होता है, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट होता है। यानी कि जो भी हमारे स्टोर्ड के अंदर रखे हुए प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब जो स्टोर किए हुए प्रोडक्ट है, खास करके हम बात करें एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, अगर हम बात करें किसकी, ग्रेन्स की अगर हम बात करें, तो ग्रेन्स को अगर जब हम स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि उसमें कुछ इंसेक्ट्स का अटैक हमको देखने के लिए मिलता है। स्टोर्ड ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स आकर के क्या करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। तो उनके अंदर अगर हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास में वो है आपके खपरा बीटल। वो कौन सा है भैया, खपरा बीटल जो है, खपरा बीटल क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। क्या होता है खपरा बीटल, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है। ये क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ना। ये क्या है स्टूडेंट, इसका साइंटिफिक नेम है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखो आगे हम चलते हैं, जो ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है भैया, इसके बारे में हम आपको अब बताते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है और इसको क्या कहा जाता है। ठीक है, ये ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम है स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम देखते हैं ये क्या होता है। इसका जो कॉमन नेम है आपके पास में होता है खपरा बीटल। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत बार एग्जाम के अंदर डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द खपरा बीटल, ठीक है, या फिर खपरा बीटल का सामान्य नाम क्या है, या फिर उसका जो साइंटिफिक नेम दे करके पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम का क्या पूछ लेते हैं, सामान्य नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, कॉमन नेम भी आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, उसकी आपको फैमिली और ऑर्डर भी आपसे पूछा जाता है। तो देखो हम बात करते हैं किसी खपरा बीटल की, तो खपरा बीटल जो होता है क्या होता है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। ठीक है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम होता है भैया। एक छोटी सी एक मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे तीन सिमिलर टर्म होती है ना। एक तो क्या है आपके पास में, एक तो होती है ट्रोगोडर्मा, ठीक है, एक तो होती है ट्रोगोडर्मा, एक होती है आपके पास में ट्राइकोग्रामा। ठीक है, एक टर्म कौन सी होती है, एक तो होती है ट्रोगोडर्मा, एक टर्म होती है ट्राइकोग्रामा, और एक होती है ट्राइकोडर्मा, एक होती है ट्राइकोडर्मा। तो भैया ये सारी की सारी टर्म जो है, तीनों टर्म जो है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, समझना जरूरी है। ट्रोगोडर्मा तो क्या होता है भैया, बीटल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है। ठीक है, ट्रोगोडर्मा तो क्या है, वो एक तरीके का इंसेक्ट है। ठीक है, लेकिन ट्राइकोग्रामा जो होता है ये क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हो ट्राइकोग्राम होता है एग पैरासिटोइड होता है। ये भी क्या होता है, एक तरीके का इंसेक्ट होता है, एक पैरासिटोइड होता है ये। ठीक है, और जो ट्राइकोडर्मा होती है ये क्या होती है भाई, एक तरीके की फंगस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तीनों के तीनों क्या है आपके पास में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीन सिमिलर टर्म है, जिनके बारे में आपको, तीनों टर्म के बारे में पता होना आपको जरूरी है। ठीक है, ट्राइगोडर्मा, ट्रोगोडर्मा और ट्राइगोग्रामा जो है, तीनों अलग अलग टर्म है, लेकिन इन तीनों के मतलब अलग अलग होते हैं, सिमिलर टर्म है, बोलने में ये कभी कभी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तीनों के तीनों जो टर्म है ये अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खपरा बीटल में जो आपको पूछा जाता है भाई। सबसे पहली बात तो हमने क्या देख लिया था कि खपरा बीटल जो होता है क्या होता है, एक तरीके का पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट है। पॉलीफेगस इंसेक्ट पेस्ट का मतलब क्या होता है कि कई तरह के जो स्टोर्ड ग्रेन्स होते हैं उनके ऊपर क्या कर सकता है, इसका अटैक आ सकता है। इस इंसेक्ट का अटैक वहां पर क्या किया जा सकता है भाई, देखा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसके, डर्मिस्टिडी की। डर्मिस्टिडी क्या होती है, डर्मिस्टिडी इसकी होती है भाई फैमिली होती है, क्या होती है इसकी, फैमिली होती है। और कोलियोप्टेरा क्या होता है, ऑर्डर होता है। ठीक है, कोलियोप्टेरा क्या होता है भैया, ऑर्डर होता है। चलिए इसके बारे में हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेटस देखते हैं। तो भैया वर्ल्ड वाइड होता है, मतलब ये वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सभी जगहों पे जहां पर भी ग्रेन्स को उगाया जाता है, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता है, ऐसी जगह पर क्या होता है, जो ट्रोगोडर्मा है यानी कि जो खपरा बीटल है, इसका अटैक हर जगह पर वर्ल्ड के हर हिस्से में देखा जाता है। ठीक
ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब क्या हो गया, कॉस्मोपॉलिटन हो गया और ऑलमोस्ट सभी जगह पे वर्ल्ड के अंदर सभी जगहों पर ये पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, होस्ट रेंज। अब देखो होस्ट रेंज ही क्या होता है भाई, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है। होस्ट रेंज जो है इसका, वो क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो क्या होगा, देखो द खपरा बीटल विल अटैक एनी ड्राइड प्लांट और एनिमल मैटर। देखो यहाँ पे क्या होता है, जो खपरा बीटल का जो डैमेज होता है वो किसी ड्राइड प्लांट, या मतलब हम बात करें कि ग्रेन्स के ऊपर भी आता है, किसी प्लांट पार्ट पर भी आ सकता है, या फिर किसी स्टोर्ड करे हुए एनिमल के पार्ट्स, जैसे कि स्टोर्ड कोल्ड स्टोरेज, जो मीट होता है भैया, जहां पर मीट को क्या करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, वहां पर भी क्या होता है इसका अटैक जो होता है कभी कभी देखने के लिए मिलता है। मतलब क्या होगा, टोटल मिला के बात यह है कि इसका अटैक जो होगा आपके पास में कहाँ देखने के लिए मिलेगा, स्टोर्ड प्रोडक्ट जितने भी होंगे, भले चाहे से वो ग्रेन्स हो या फिर अदर जो दूसरे एनिमल प्रोडक्ट है, वहां पर भी क्या होता है खपरा बीटल का जो है अटैक आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि स्टोर्ड कमोडिटीज के अंदर जो इंसेक्ट डैमेज करेगा, उनमें से क्या होता है खपरा बीटल एक इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट होता है। अब देखो बात करते हैं, इट प्रेफर्स ग्रेन्स। देखो भाई, इट प्रिफर्स ग्रेन्स एंड सीरियल्स प्रोडक्ट। मेन जो इसका डैमेज देखने के लिए मिलता है कहाँ कहाँ आता है, एक इट इज प्रिफर ग्रेन एंड सीरियल प्रोडक्ट, मेनली व्हीट, बार्ले, ओट्स, राइस, मेज, राइस फ्लोर, माल्ट एंड नूडल्स। तो देखो भैया, ये सारे के सारे जो सीरियल और उनसे रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, जो स्टोर्ड करके रखे जाते हैं उनके ऊपर क्या होता है इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। अब देखो, इट कैन आल्सो फीड ऑन द एनिमल प्रोडक्ट। मैंने क्या बोला था कि ये क्या कर सकते हैं, एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या कर सकते हैं भाई, फीड कर सकते हैं। इट कैन आल्सो फीड ऑन एनिमल प्रोडक्ट सच एज डेड माइस, ड्राइड ब्लड एंड ड्राइड इंसेक्ट। भैया देखो क्या होता है कि जो सूखा हुआ खून होता है, मरे हुए चूहे होते हैं, या फिर जो सूखा हुआ मांस जिसको स्टोर्ड करके रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज के अंदर, उनके अंदर भी क्या होता है इसका अटैक देखा जा सकता है। तो देख सकते हैं आप कि एक बहुत बड़ी वाइड होस्ट रेंज है जिसपे क्या होता है ये जो खपरा बीटल है इसका अटैक जो होता है भाई जनरली क्रॉप्स के अंदर या किसी भी एनिमल प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाता है। और क्या होता है, सबसे ज्यादा जो इसको अटैक होगा वो किस पर आएगा भाई, ग्रेन्स के ऊपर ज्यादा देखने के लिए मिलता है ना, कहाँ देखने के लिए मिलता है, ग्रेन्स के ऊपर इनका अटैक सबसे ज्यादा हमको देखने के लिए मिलता है। अब देखो खपरा बीटल एक तरीके से दिखता कैसा है, तो खपरा बीटल देखो एक तरीके का एक बीटल होता है ना, ये बीटल होता है छोटा सा ब्राउन टू ब्लैक कलर का, जिसकी इलिट्रा जो है यानी कि अपर विंग्स हैं, या हम बात करें फोर विंग्स जो होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो फोर विंग्स हैं यानी कि हम बात करें फोर विंग को क्या कहा जाता है भाई, इल्ट्रा कहा जाता है। इसके इल्ट्रा पे क्या होते हैं, हेयर लाइक बाल पाए जाते हैं छोटे छोटे, आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे बाल नजर आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है आपके पास में जो खपरा बीटल है किस तरीके का दिखाई देता है ये वो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात हम देखेंगे कि इस इंसेक्ट में कौन कौन सी स्टेजेस होती है। अब देखो भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, सिम्टम्स ऑफ डैमेज भैया। ठीक है, अब देखो भैया क्या होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इतनी बड़ी होस्ट रेंज है तो उसके ऊपर डैमेज किस तरीके का आएगा, उस डैमेज के बारे में हम क्या करते हैं डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अब देखो आपको, अगर आपने आपको पता हो तो क्या होता है भाई, जो भी कोलियोप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो भी कोलियोप्टेरियन इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो डैमेजिंग स्टेज होती है जनरली कौन कौन से होती है, ग्रब एंड एडल्ट दोनों ही जो स्टेजेस होती है वो कैसे होती है, डैमेज कॉजिंग स्टेजेस होंगी, और दोनों ही स्टेजेस की किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं, डैमेज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, देन इसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, द ग्रेटेस्ट डैमेज इज डन इन समर फ्रॉम जून जुलाई टू अक्टूबर। देखो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका मैक्सिमम डैमेज कब से कब तक देखा जाता है, तो देखो गर्मियों के दिनों में देखा जाता है कब से कब तक, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। ठीक है, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक क्या होता है इस इंसेक्ट का जो डैमेज है वो क्या होता है भैया,
जो भी हमारे स्टोर्ड प्रोडक्ट है या स्टोर्ड जो ग्रेन्स है वहां पर देखने के लिए मिलता है। कहाँ देखने के लिए मिलता है? स्टोर्ड ग्रेन्स के ऊपर इसका अटैक देखने के लिए मिलेगा। कौन कौन से मंथ में? जुलाई से लेकर के अक्टूबर में। ठीक है, कौन कौन से मंथ में देखने के लिए मिलता है? जुलाई से लेकर के अक्टूबर मंथ में क्या होगा, यहाँ पे हमको डैमेज देखने के लिए मिलेगा। अब देखो आपके एग्जाम के अंदर देखो पॉइंट किस तरीके से पूछा जाता है, वो इस तरीके से पूछा जाएगा। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ खपरा बीटल, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ खपरा बीटल, ठीक है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ खपरा बीटल, व्हाट इज द डैमेजिंग स्टेज ऑफ खपरा बीटल, ठीक है, विच काइंड ऑफ डैमेज आर डन या डैमेज आर कोज बाई खपरा बीटल। तो इस तरह के सारे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अब देखो द ग्रब्स ईट द ग्रेन, देखो इसका फीडिंग हैबिट कैसा होता है। द ग्रब्स ईट द ग्रेन नियर द एम्ब्रियो। भैया देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी जो ग्रब होते हैं इस इंसेक्ट के, वो क्या होते हैं? डैमेजिंग स्टेज होती है। ग्रब ही क्या करते हैं, जिस भी सीड या कोई यहाँ पे स्टोर ग्रेन्स पड़े हैं उन ग्रेन्स के ऊपर क्या होगा, उसका अटैक होना शुरू हो जाएगा। उन ग्रेन्स के ऊपर क्या होगा, वो फीड करना शुरू कर देंगे। और किस तरीके से फीड करते हैं, तो देखो द ग्रब स्टार्ट, देखो ग्रब ईट द ग्रेन्स नियर द एम्ब्रियो और एट एनी अदर वीक पॉइंट एंड फॉर्म फ्रॉम देयर प्रोसीड इनवर्ड। देखो क्या होगा, जो भी ग्रेन है यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास में यहाँ पे ग्रेन दिखाई दे रहा है, इस ग्रेन के ऊपर क्या है ये भाई, ग्रब नजर आ रहे हैं। इस ग्रेन के ऊपर क्या हो रहे होंगे, आपको ग्रब नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, ये जो ग्रेन है भाई, इस ग्रेन की जो सबसे जो हम बात करें वीक पॉइंट्स जो हैं, ठीक है, वीक पॉइंट से क्या करते हैं, एंटर करते हैं और उस पर्टिकुलर पार्ट को, उस पर्टिकुलर ग्रेन को अंदर से खाना शुरू कर देता है। आप यहाँ पे देख सकते हो एंट्री होल भी, आप यहाँ पे बिल्कुल साफ इस पे देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, एंट्री होल भी क्या हो सकता है, आपको यहाँ पे दिखाई जरूर दे जाएगा। जहां पर भी इस इंसेक्ट का अटैक आएगा, जहां पर भी इस इंसेक्ट का डैमेज आएगा भाई, वहां पर क्या होगा कि ये ग्रब जो है आपको दिखाई दे जाएंगे। और जो भी क्या करते हैं ग्रब, किसी भी सीड की जो एम्ब्रियो वाला पार्ट है वहां से एंटर करेंगे उसमें, और एम्ब्रियो को खाना शुरू कर देते हैं। और क्या कर देते हैं, पूरे के पूरे सीड का इनर्ट मटेरियल जो है वो क्या कर देते हैं भाई, खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये, इसका डैमेजिंग सिम्टम किस तरीके के होते हैं, तो भाई देखो साफ सी बात है, जब भी इस इंसेक्ट का आपके पास में अटैक देखा जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लार्वा होता है, लार्वा क्या करता है, उस पर्टिकुलर ग्रेन के किसी वीक पॉइंट से क्या करेगा, उस इसमें एंटर करेगा। उसमें एंटर होने के बाद में सबसे पहले सीड का जो अंदर का एम्ब्रियो है, ठीक है स्टूडेंट समझना, सीड के अंदर का जो एम्ब्रियो है उस एम्ब्रियो को खाना शुरू कर देता है। उस एम्ब्रियो को जब वो खाता है इंसेक्ट, जिससे क्या होता है, पूरे के पूरे सीड का उसने इनर्ट इंटरनल मटेरियल जो होता है वो खा लिया है। अब सीड कैसा हो गया है भाई, बिल्कुल खोखला हो गया है वो। ठीक है, देन अब हम देखते हैं इसके बारे में जो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है, दे यूजुअली कन्फाइन देम स्लेव ऑन द अपर 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ ग्रेन इन हीप और द पेरीफेरी इन द सेक ऑफ ग्रेन्स। भैया देखो इनका पता क्या होता है, एक खास बात है जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, जितने भी खपरा बीटल होते हैं ना भैया, खपरा बीटल क्या करेंगे, जो भी अनाज का ढेर होता है आपका, जहां पर आपने बहुत सारा अनाज को इकट्ठा करके रखा हुआ है, जो भी ग्रेन्स है उनको आपने क्या करके रखे हुए हैं, इकट्ठा करके रखे हुए हैं, उस ग्रेन के अंदर या उस हीप में या उस ढेर के ऊपर, सिर्फ जो ऊपर के 50 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है, ठीक है, ऊपर के सिर्फ 50 सेंटीमीटर की लेयर के ऊपर ही क्या होगा, इस इंसेक्ट का डैमेज हमेशा दिखाई देगा। देखो सपोज ये क्या रखे हुए हैं आपके पास में, बैग्स रखे हुए हैं ना, ये आपके पास में बैग्स रखे हुए हैं स्टोर के अंदर। ठीक है, आपने इनके अंदर क्या क्या स्टोर किया हुआ है, सपोज इनके अंदर आपने स्टोर किया हुआ है ग्रेन्स को, इन बैग्स के अंदर डाल करके एक गोडाउन में क्या हुआ है, इनको स्टोर किया हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, दे यूजुअली कन्फाइन देमसेल्व टू द अपर 50 सेंटीमीटर लेयर ऑफ ग्रेन इन अ हीप और द पेरीफेरी इन सेक ऑफ ग्रेन। तो देखो अब ये जो ऊपर ही ऊपर वाला जो बॉक्स है, ऊपर ही ऊपर वाला जो बैग है, इसके अंदर भी जो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की 50 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है ना भैया,
ठीक है, इस बैग में भी सिर्फ और सिर्फ जो अटैक देखा जाएगा ऊपर की 50 सेंटीमीटर की लेयर के अंदर ही इसका अटैक जो है वो देखा जाता है, ठीक है। और वो ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, इनका जो अटैक होता है भैया नीचे वाले बैग्स के अंदर कभी नहीं होता है, सिर्फ ऊपर वाले बैग के अंदर या ढेर के ऊपर की 50 सेंटीमीटर की जो लेयर होती है सिर्फ वहीं तक ही इसका डैमेज होता है, ठीक है। वहीं तक ही क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका डैमेज होता है, डैमेज ज्यादा अंदर तक नहीं होता है। तो आपको इस खपरा बीटल के बारे में ये बात ध्यान रखनी है कि क्या होगा, वो अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, जो भी अनाज है या जो भी ग्रेन्स है, ग्रेन्स के सबसे ऊपर के ओनली 50 सेंटीमीटर के एरिया में ही क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, दे कैन रिड्यूस द ग्रेन, दे कैन रिड्यूस द ग्रेन टू अ मेरे फ्रेश, ठीक है, सीन्स द लार्वा आर पॉजिटिवली थिग्मोटैक्टिक। भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थिग्मोटैक्टिक का मतलब क्या होता है, दे कैन बी कलेक्टेड बाई मेरेली प्लेसिंग गनी बैग ऑन द हीप ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। मतलब क्या होता है कि थिग्मोटैक्टिक होते हैं, मतलब वो ज्यादा गहराई में, ज्यादा नीचे उसके अंदर हीप पे नहीं जाते हैं, ऊपर की 50 सेंटीमीटर तक की लेयर के अंदर ही क्या होते हैं वो अपने आप को सरवाइव करते रहते हैं, ऊपर की 50 सेंटीमीटर की लेयर में ही क्या होंगे वो पाए जाएंगे। ज्यादा नीचे जो है इनका अटैक नहीं देखा जाता है, और ये जो बिहेवियर होता है उनका वो क्या कहलाता है, थिग्मोटैक्टिक बिहेवियर कहलाता है। अगर आप उस ढेर के ऊपर खाली गनी बैग रख दोगे, ठीक है, जहां पर इंसेक्ट का अटैक आया हुआ है, जहां पर खपरा बीटल का अटैक आया हुआ है, उस ग्रेन्स के ऊपर आप अगर गनी बैग, खाली गनी बैग रख दोगे, तो सारे के सारे लार्वा और सारे के सारे ग्रब जो हैं या सारे के सारे एडल्ट जो हैं कहाँ पर चले जाएंगे, उस खाली गनी बैग में वो चले जाते हैं। इस तरीके से क्या किया जाता है, इनको हटा लिया जाता है। ये जो इनका बिहेवियर है ये थिग्मोटैक्टिक बिहेवियर कहलाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे वीट के जो ग्रेन्स हैं, वीट के ग्रेन्स के पास में ये जो आपको येलोइश कलर का जो लार्वा नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में क्या कहलाता है भाई, ग्रब कहलाता है। और ये ग्रब किसका होता है, ये होता है आपके पास में खपरा बीटल का ग्रब होता है। किसका होता है भाई, खपरा बीटल का क्या होता है, ये ग्रब होता है, ठीक है। किसका ग्रब होता है, खपरा बीटल का ग्रब होता है। यहाँ तक आई बात समझ में, देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको हर छोटी छोटी चीज पता होनी चाहिए किनके बारे में, पॉलीफेगस इंसेक्ट के बारे में। आज की जो हमारी क्लास है, आज की हम क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं भैया किसको, खपरा बीटल को, क्योंकि खपरा बीटल आपके बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर जो है पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखो अब हम बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेस्ट की, हम इस पेस्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, हम इस पेस्ट को कैसे पहचानेंगे। तो भैया पहचानने की अगर हम बात करें तो देखो क्या होगा, इसके अंदर हम देखेंगे इसके लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की, ठीक है। लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल में कितने स्टेजेस होंगी, 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। कितने स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस। अभी 4 स्टेजेस जिनमें पाई जाती है ऐसे इंसेक्ट्स को, क्या किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है इनमें, होलो मेटाबोलस, ठीक है। होलो मेटाबोलस क्या होता है इनमें, मेटामॉर्फोसिस होता है। क्या होता है इनमें, होलो मेटाबोलस टाइप का क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस होता है। होलो मेटाबोलस टाइप का क्या होता है, इनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है, ठीक है। अब देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट की, इनका आइडेंटिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो उसमें क्या होता है, एग। भाई इन इंसेक्ट्स के लाइफ साइकिल में टोटल 4 स्टेजेस होती हैं, कौन कौन से होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। तो ऐसी 4 स्टेजेस जिन भी इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं, ऐसी 4 स्टेजेस ऐसी जिन इंसेक्ट्स में पाई जाती हैं, वो उनमें किस तरीके का मेटामॉर्फोसिस होता है स्टूडेंट्स, उनमें होता है होलो मेटाबोलस टाइप का मेटामॉर्फोसिस। और इस होलो मॉर्फोसिस को ही क्या कहा जाता है, कभी कभी कंप्लीट लाइफ साइकिल भी कहा जाता है, ठीक है। इनका क्या हो गया भाई, कंप्लीट लाइफ साइकिल या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं एग की बात करते हैं हम, ठीक है, कि इस इंसेक्ट्स में कौन कौन सी स्टेज है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। और जो कोलियोप्टेरा होते हैं, कोलियोप्टेरा की लार्वल स्टेज को क्या कहा जाता है भाई, ग्रब कहा जाता है।
प्यूपा और एडल्ट इसमें होंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, एग की हम बात करते हैं। तो भैया एग आर लेड ऑन द ग्रैंड्स और सर्विक्स। तो भैया देखो क्या होगा, जो फीमेल जो होती है, फीमेल क्या करती है, जो भी ग्रेन्स होते हैं उन ग्रेन्स के ऊपर क्या कर देगी, एग लेइंग कर देगी। या फिर क्या होता है, जो गोडाउन्स हैं या फिर जो बैग आपके पास में रखे हुए हैं जिनके अंदर अनाज भर करके आपने रखा है, उसकी दरारों के अंदर भी क्या होता है, कभी कभी जो फीमेल होती है एग लेइंग कर देती है। तो इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, सबसे पहली स्टेज कौन सी होगी, एग होगी। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है, एग होती है। देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, ग्रब की। ग्रब भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्यों है, ग्रब इज स्ट्रॉ कलर्ड। भैया पहली चीज देखो, ग्रब कैसा होता है, स्ट्रॉ कलर्ड विद डार्क ब्राउन हेयरी बैंड्स। उसके बॉडी के ऊपर कैसे होते हैं, काले और घने कैसे होते हैं, बाल पाए जाते हैं जिनकी क्या पाई जाती है, एक पट्टी पाई जाती है। ठीक है, ऑन ईच सेगमेंट, उसके हर खंड के ऊपर या हर बॉडी सेगमेंट के ऊपर क्या होता है कि जो भी हेयर, ब्राउन कलर के जो हेयर्स होते हैं उनकी क्या पाई जाती है, चौड़ी पट्टी पाई जाती है। एंड टिपिकल पोस्टीरियर टफ्ट फॉर्मिंग अ टेल ऑफ लॉन्ग हेयर्स। और भैया क्या होते हैं, इसके ग्रब के अंदर जो इसका जो सबसे लास्ट वाला सेगमेंट होता है उसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी उस पर पाई जाती है। ठीक है, इट इज एक्टिव, मूव एंड फीड फ्रीली। ये कैसे होते हैं भैया, एक्टिव होते हैं और क्या कर सकते हैं, मतलब इजीली मूवमेंट कर सकते हैं, और वो क्या करते हैं, बहुत वाइड लेवल पे क्या करते हैं, उन ग्रेन्स के ऊपर फीड कर सकते हैं। तो इसमें देखो डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है भैया, डैमेजिंग स्टेज जो होती है खपरा बीटल की हम बात करें, वो होती है आपके पास में ग्रब जो होती है वो इम्पोर्टेंट क्या है, डैमेजिंग स्टेज है। ग्रब जो होती है वो क्या होती है भैया, इम्पोर्टेंट इसकी डैमेजिंग स्टेज है। ठीक है, देन इसके बाद में है प्यूपा। इसके बाद में कौन सी स्टेज है, प्यूपा है। प्यूपेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेन्स। ठीक है, प्यूपेशन कहाँ होता है, प्यूपेशन जो होता है जो ग्रेन होता है ग्रेन की सरफेस के ऊपर होता है। प्यूपेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द ग्रेन इन बल्क एंड ओवरलैपिंग एज ऑफ बैग्स। ठीक है, क्या होता है कि ओवरलैपिंग एज ऑफ बैग्स। ठीक है, मतलब क्या होते हैं, जो प्यूपा होते हैं जनरली तो या तो कहाँ होंगे, या तो वो होंगे उन ग्रेन्स के ऊपर ही होंगे, या फिर जैसे जैसे हमने एक के ऊपर एक बैग रखे होते हैं तो उस बैग के आसपास क्या होते हैं, उसके प्यूपा जो हो जाएंगे वो जमा हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो क्या होता है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो आती है आपके पास में एडल्ट। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेज कौन सी आती है, एडल्ट आती है। तो एडल्ट कैसे होते हैं, रेडिश ब्राउन कॉन्वेक्स ओवल इन शेप विद प्रैक्टिकली नो डिस्टिंक्ट डिविजन ऑफ हेड। भैया क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो रेडिश ब्राउन कलर का, जैसे हमने अभी पिछले उसमें देखा था, तो देखो रेडिश ब्राउन कलर का क्या होता है, इंसेक्ट होता है, छोटा होता है। और देखो इसके थोरैक्स और हेड में आपको कोई अलग अलग सेगमेंट नहीं दिखेगा, या अलग से कोई इसमें हिस्सा नहीं दिखेगा, ये कैसा नजर आता है, एक सिमिलर पार्ट ही क्या होता है, नजर आता है। ठीक है, तो देखो नो डिस्टिंक्ट डिविजन ऑफ हेड थोरैक्स एंड एब्डोमन। तो भैया इनके हेड, थोरैक्स और एब्डोमन बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए हों। उनको हम अलग अलग हेड, थोरैक्स और एब्डोमन के अंदर प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, एब्डोमन साइज इज कंपेरेटिवली लार्जर। भैया देखो क्या होता है, इसके जो एब्डोमन जो होता है यानी कि जो पेट होता है इसका, वो कंपेरिजन में कैसा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, वो कैसा होता है, एब्डोमन की जो साइज होती है कंपेरेटिवली कैसे होती है, लार्ज होती है या बड़ी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में देखो यहां तक पता चला, चार इसमें कैसे होंगी स्टेजेस होंगी, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट क्या होंगे, इसमें चार इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें से जो ग्रब होगा वही क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी स्टेज होती है। ग्रब क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें स्टेज होती है जो क्या करती है, ग्रेन्स के ऊपर फीड करती है। ठीक है, अब देखो इसके लाइफ साइकिल के बारे में कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें जो हैं जो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो देखो द खपरा बीटल प्रोड्यूस बिटवीन 1 to 9 जनरेशन। ठीक है, 1 to 9 जनरेशन पर ईयर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी एक पूछा जाता है कि एक साल में कितनी इसकी जनरेशन आती है। ठीक है, 1 to 9 जनरेशन पर ईयर होती है भैया, डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर सच एज होस्ट स्पीशीज,
टेम्परेचर, लाइट एंड मॉइस्चर, ठीक है। लगभग 1 से 9 जनरेशन तक क्या हो सकती है इसकी, आ सकती है किसकी, खपरा बीटल की, 1 साल में 1 से 9 जनरेशन तक क्या हो सकती है स्टूडेंट, आ सकती है। और ये 1 से 9 जनरेशन जो है इसके ऊपर भी कई सारे फैक्टर्स, अलग अलग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो टेम्परेचर है, ठीक है, टाइप ग्रेन ऑफ टाइप ग्रेन का जो टाइप है वो है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं इनके लाइफ साइकिल पर बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे भैया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, 1 to 9 जनरेशन जो है इसकी यहाँ पे आपको देखी जा सकती है। कितनी जनरेशन देखी जा सकती है, 1 to 9 जनरेशन तक इसकी देखी जा सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई बात यहां तक समझ में, देन इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की। देखो खपरा बीटल का जो लाइफ साइकिल होता है वो टेम्परेचर बहुत बड़ा उसमें क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, टेम्परेचर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखो टेम्परेचर इज द की फैक्टर, मैंने क्या कहा है, टेम्परेचर क्या होता है इसके लाइफ साइकिल में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो देखो टेम्परेचर इज द की फैक्टर विच डिटरमाइन व्हेन द एग आर लेड। भैया देखो कि टेम्परेचर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टेम्परेचर के ज्यादा होने से कम होने से इसके लाइफ साइकिल में कुछ कुछ चेंजेस आते हैं, और टेम्परेचर के बेसिस पर ही ये इंसेक्ट जो है डिसाइड करते हैं कि कब एग लेइंग जो है, कब एग लेइंग करनी है, कब एग लेइंग नहीं करनी है, ठीक है। तो देखो भैया, एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड द लेइंग ऑफ एग्स बिगिन, मतलब क्या होता है, जब टेम्परेचर ज्यादा होता है, मोर देन 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचता है, तब क्या होता है इनके अंदर एगलिंग स्टार्ट हो जाती है, एंड इज डिलेड ड्यूरिंग कूलर टेम्परेचर एंड प्रोडक्शन स्टॉप्स एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है कम होता रहता है, तो कैसे होती है एगलिंग, कैसे हो जाएगी उनमें डिले हो जाएगी, एगलिंग डिले होती रहती है। और अगर टेम्परेचर 20 डिग्री या 20 डिग्री से कम है उस कंडीशन में क्या हो जाता है भाई, बिल्कुल जो उनका जो एगलिंग है पूरी की पूरी तरीके से रुक जाती है, ठीक है भाई। अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में ही पढ़ा था कि उनका जो मैक्सिमम डैमेज है वो जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक ही सबसे ज्यादा ज्यादा देखा जाता है। तो भैया आप सभी लोगों को पता है जुलाई से लेकर जून जुलाई के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम पे क्या होता है, गर्मियों का सीजन होता है, समर सीजन होता है। तो अधिकतर जो इनका ब्रीडिंग पीरियड होता है वो भी क्या होता है भाई, समर टाइम ही होता है, गर्मियों के टाइम पे ही क्या होता है इनका जो डैमेज है वो अधिकतर जो होता है देखा जाता है। तो इसके अंदर देखो एक बात जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, इनकी एगलिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे एगलिंग भी कम हो जाती है, और जैसे ही क्या होता है टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया या इससे कम हो गया, तो भैया एगलिंग बिल्कुल कैसे हो जाएगी, बंद हो जाएगी, इंसेक्ट एगलिंग करना क्या कर देगा, स्टॉप कर देता है, ठीक है भाई। आई बात यहां तक समझ में, देन इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, फीमेल्स लेज एन एवरेज ऑफ 50 to 100 eggs, ठीक है। फीमेल जो होती है लगभग 50 से 100 eggs तक क्या हो सकती है, दे सकती है, 50 to 100 eggs जो है फीमेल क्या कर सकती है, एवरेज प्रोड्यूस कर सकती है, विच आर लूजली स्कैटर्ड इन द होस्ट मटेरियल, स्कैटर्ड इन द होस्ट मटेरियल। जो 50 से 100 eggs हैं भैया, ये क्या होते हैं, जो भी मटेरियल होता है आपका, जहां पे ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं उन ग्रेन्स के ऊपर क्या हो सकते हैं, वहां पे प्रेजेंट वो हो सकते हैं। आई बात समझ में स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्या है, एग्स हैच इनटू 3 to 14 डेज। भैया एग को हैच होने में 3 से 14 दिन तक का टाइम लग सकता है, ये जो इनक्यूबेशन पीरियड है इसका ये डिपेंड करता है टेम्परेचर उस टाइम पे कितना है, ठीक है भैया। मैंने पहले ही बता दिया टेम्परेचर का जो रोल होता है किसमें, खपरा बीटल में, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हाई टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसमें जो लाइफ साइकिल है वो जल्दी कंप्लीट होगा, और क्या होगा उसके अंदर जो एग लेइंग की कैपेसिटी भी जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो भैया एग जो होता है, एग हैच इनटू 3 to 14 डेज, ठीक है, 3 से 14 दिन के अंदर क्या होता है एग जो होता है हैच होता है। और देखो लार्वल डेवलपमेंट यूजुअली टेक्स 4 to 6 वीक्स,
ठीक है, 4 to 6 weeks तक का क्या होता है, पूरा का पूरा लार्वल डेवलपमेंट होता है। लार्वल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है भैया, जो लार्वा होगा इसके लार्वा को क्या कहा जाता है, ग्रब। ये ग्रब क्या करता है, किस पे फीड करेगा, ये जो ग्रेन्स है ग्रेन्स के ऊपर फीड करता रहता है, और ग्रेन्स पर फीड करने के दौरान पूरा जब तक इसका डेवलपमेंट होता है, तो टोटल कितना टाइम तब तक लग जाता है स्टूडेंट्स, 4 to 6 weeks तक का टाइम जो है ये पूरा कंज्यूम कर लेते हैं। लगभग कितना हो जाएगा, 1 to 1.5 month, ठीक है, 1 to 1.5 month लग जाता है लगभग इसका लार्वल पीरियड पूरा होते होते। और देखो इसका जो प्यूपेशन का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, और देखो इस एक से सॉरी 4 to 6 weeks तक के कितना इनमें मोल्टिंग होती है, कितनी बार मोल्टिंग हो जाती है, लगभग 4 to 15 times तक क्या हो जाती है इनके अंदर मोल्टिंग हो जाती है। मतलब 4 to 15 times तक क्या हो जाती है इनकी जो क्या होगी, स्किन जो होगी वो शेड आउट हो जाती है और उसकी जगह नई स्किन बनती है, वो प्रोसेस क्या कहलाती है, मोल्टिंग कहलाती है। ठीक है, प्यूपल स्टेज जो होती है इनकी कितनी होती है, लेस्ट 2 to 5 days, प्यूपल स्टेज लगभग 2 से 5 दिन की होती है। ठीक है, प्यूपल स्टेज कितनी होती है, लगभग 2 से 5 दिन में क्या होती है इनकी प्यूपल स्टेज पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। तो भैया ये तो क्या थे इसके लाइफ साइकिल के कुछ बेसिक और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, खपरा बीटल की लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस होती है और उन लाइफ साइकिल के अंदर कितने कितने उनमें दिन होते हैं, आई मीन कितने टाइम में एक जनरेशन कंप्लीट होती है, एक साल में कितनी जनरेशन होती है, ठीक है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, मिनिमम एक फीमेल जो है कितने एक तक लेइंग कर सकती है, ये सारी की सारी बेसिक चीजें जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी हमने यहाँ पर पढ़ ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम बात करते हैं एडल्ट्स मेट 5 days आफ्टर इमरजेंस एंड मेटेड फीमेल्स लिव्स फॉर 4 to 7 days, ठीक है, व्हाइल अनमेटेड फीमेल्स लाइव फ्रॉम 20 to 30 days। तो भैया देखो क्या है, जैसे ही एग में से जो एडल्ट फीमेल और मेल्स है वो जैसे ही बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद में क्या कर देते हैं भाई, मेटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसने मेटिंग नहीं की है तो वो लगभग 20 से 30 दिन तक जिंदा रह सकती है। ठीक है, और अगर किसी फीमेल ने मेटिंग कर ली है तो लगभग 4 से 7 दिन तक ही जिंदा रहेगी। ठीक है, और जो मेल्स होते हैं लगभग 7 से 12 दिनों तक क्या होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। तो भैया इस तरीके से क्या होता है, इनके लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो चलती रहती है। और हमने देखो इसमें क्या क्या देख लिया, इंसेक्ट कैसा होता है, उसका लाइफ साइकिल कैसा होता है, डैमेज कैसा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमको उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप किसी भी इंसेक्ट को जब भी पढ़ते हो तो आपको उसका पूरा आइडेंटिफिकेशन, उसका नेचर ऑफ डैमेज, डैमेजिंग स्टेज, डैमेजिंग सिम्टम्स, देन लास्ट में मैनेजमेंट, तो आपको उसका जरूर पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के लिए देखो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम मैनेजमेंट ऑफ खपरा बीटल, तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोर द ग्रेन्स इन क्लीन गोडाउन, फिल क्रैक्स सर्विक्स एंड होल्स विद सीमेंट। क्या कर देने चाहिए भैया, जो भी ग्रेन्स है उनको एक साफ गोडाउन के अंदर क्या कर देना चाहिए, भर करके रख देना चाहिए, जो भी दरारें हैं उन दरारों को भर देना चाहिए। ठीक है, और क्या होते हैं जितने भी होल्स हैं वहां पे उस गोडाउन के अंदर, दीवारों पे, फर्श पे या कहीं पर भी अगर आपको क्या नजर आ रहे हैं, होल्स नजर आ रहे हैं, सर्विक्स नजर आ रही हैं, ठीक है, या फिर क्रैक्स नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर क्या कर देना चाहिए, सीमेंट लगा करके उनको बिल्कुल फिल कर देनी चाहिए, उनको बिल्कुल भर देना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद में हम और क्या कर सकते हैं, यूज ब्रांड न्यू गनी बैग। भैया जो जिसके जिन बैग्स के अंदर हम क्या करके रखते हैं प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल न्यू होने चाहिए। ठीक है, ओल्ड गनी बैग्स इफ यूज मस्ट बी डिसइंफेक्टेड बाई डिपिंग इन अ वन पार्ट ऑफ मेलाथियन। भैया अगर हमको पुराने बैग्स को ही अगर यूज में लेना है तो उनको क्या करना चाहिए, 1% मेलाथियन के अंदर क्या कर देना चाहिए, उसको डिप कर देना चाहिए और डिप करके सुखा देना चाहिए, ताकि उसमें जितने भी इंसेक्ट हैं वो क्या हो जाएं, सारे के सारे किल हो जाएं, सारे के सारे मर जाएं। ठीक है, ओल्ड गनी बैग्स इफ यूज मस्ट बी डिसइनफेक्टेड, ये तो हमने देख लिया है, किसके साथ में करते हैं, मेलाथियन 50 AC इन 500 parts ऑफ वाटर फॉर 10 मिनट्स एंड ड्राइड इन द शेड बिफोर द फिलिंग द ग्रेन्स।
मैंने यही तो बोला ना कि भैया अगर आपको ग्रेन्स को स्टोर करना है या तो आप बिल्कुल नए बैग्स लेकर के आइए या फिर अगर आपको पुराने बैग्स को ही यूज़ में करना है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेलाथियन जो है 50% एसी उसको 500 पार्ट यानी 500 लीटर वाटर के अंदर डाल करके उसमें 10 से 15 मिनट तक उन गनी बैग्स को डुबो करके रखिए और छायादार स्थान पर सुखाने के बाद ही उनके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ग्रेन्स को फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है भैया, हम क्या कर सकते हैं, इसके जो खपरा बीटल है खपरा बीटल का हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो है डिसइंफेक्ट द एम्प्टी गोडाउंस, डिसइंफेक्ट द एम्प्टी गोडाउंस इन अप्रैल टू मई। देखो क्या होता है कि हम क्या जानते हैं जून से जुलाई के बीच में क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा डैमेज देखा जाता है। तो उससे पहले अप्रैल और मई का जो महीना होता है इस महीनों के दौरान हम क्या कर सकते हैं, जो भी गोडाउंस होते हैं उन गोडाउंस को क्या कर सकते हैं भैया, बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं उनको, वहां से बिल्कुल क्या किया जा सकता है, डिसइंफेक्ट उनको किया जा सकता है बाय स्प्रेइंग 1% मेलाथियन 50 एसी इन 100 पार्ट्स ऑफ वाटर ऑन फ्लोर वॉल सीलिंग और बाय यूजिंग 25 टेबलेट्स ऑफ सेल्फोस। ठीक है, सेल्फोस किस नाम से मिलती है मार्केट में, फॉस्फीन नाम से मिलते हैं, यहाँ पे जो नेम है भैया गलत दिया हुआ है। और क्या कर सकते हैं, 35 लीटर ईडीसीटी मिक्सचर पर सेंट पर 100 सेंटीमीटर इस क्यूब पर 100 सेंटीमीटर पर हम क्या कर सकते हैं, इनका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, देखो मिक्स 5% मेलाथियन डस्ट एट द रेट 2.5 किलोग्राम मेट्रिक टन और 250 ग्राम क्विंटल पर क्विंटल ग्रेन्स पर मिंट फॉर सीड ओनली। ठीक है, और देखो नेक्स्ट जो है फ्यूमिगेशन, फ्यूमिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर गोडाउन के अंदर क्या कर देना, बिल्कुल उसमें फ्यूमिगेशन कर देना, मतलब उसकी उसके अंदर एक गैस लाइक अपीयरेंस पैदा कर देना जिसके अंदर क्या होता है कि इंसेक्ट की कोई भी स्टेज जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, इंसेक्ट की सभी स्टेजेस को क्या किया जा सकता है वहां पे किल किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो किस तरीके से फ्यूमिगेशन जो है करते हैं, यूज फ्यूमिगेंट्स लाइक एथेलिन, ठीक है, और ड्राइबोमाइड ईडीबी, एथेलिन डाई क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसको हम ईडीसीटी कहते हैं, एल्यूमिनियम फोस्फाइड, ठीक है, टू कंट्रोल द स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट इफेक्टिवली। तो भाई ये सारे के सारे क्या है, कुछ खास हमारे पास में फ्यूमिगेंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है फ्यूमिगेंट्स हैं। ठीक है, इन फ्यूमिगेंट्स का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, किसके लिए यूज में कर सकते हैं भैया, इनको इनका जो यूज किया जाता है जनरली डिसइंफेक्शन के लिए किया जाता है। ठीक है, देन इसके बाद में है अप्लाई एल्यूमिनियम फोस्फाइड। ठीक है, एल्यूमिनियम फोस्फाइड को अप्लाई करना चाहिए अवेलेबल इनटू 0.6 ग्राम और 3 ग्राम की टेबलेट्स में क्या होता है अवेलेबल होता है। और देखो एट द रेट 3 टेबलेट्स यानी पर 3 ग्राम ईच पर टन ऑफ फूड ग्रेन्स लॉट विद हेल्प ऑफ एन एप्लीकेटर। भैया क्या कर सकते हैं हम, एल्यूमिनियम फोस्फाइड का भी हम क्या कर सकते हैं फ्यूमिगेशन में जो यूज कर सकते हैं, और एल्यूमिनियम फोस्फाइड जो होता है बहुत इफेक्टिवली इंसेक्टिसाइड है जो कि स्टोर ग्रेन इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देन इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, चूज द फ्यूमिगेंट एंड वर्क आउट द रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग गाइडलाइन। कैसे हम कर सकते हैं भैया, देखो 3 टेबलेट्स ऑफ एल्यूमिनियम फोस्फाइड 3 ग्राम ईच पर टन ऑफ ग्रेन्स, तो भैया कितना ले सकते हैं, 3 टेबलेट ले सकते हैं एल्यूमिनियम फोस्फाइड की 3 ग्राम की, कितने के लिए, पर टन के हिसाब से कितनी इनफ रहती है, 3 टेबलेट ही इनफ रहती है। ठीक है इसके बाद हम देखो क्या कर सकते हैं, 21 टेबलेट्स ऑफ एल्यूमिनियम फोस्फाइड, ठीक है, 3 ग्राम ईच फॉर 28 क्यूबिक मीटर्स, 28 क्यूबिक मीटर्स के लिए हमको कितनी टैबलेट की जरूरत पड़ती है भैया, 21 टैबलेट्स की जरूरत पड़ती है, 28 क्यूबिक मीटर के लिए 21 टैबलेट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतने ही ज्यादा हमको एल्यूमिनियम फॉस्फाइड की टैबलेट्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई, इसके बाद देखो हम क्या देखेंगे, जो फ्यूमिगेशन का टाइम पीरियड होता है, फ्यूमिगेशन का जो एक्सपोजर होता है वो लगभग कितना होना चाहिए, 5 से 7 दिन का होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप जिस भी गोडाउन के अंदर फ्यूमिगेशन कर रहे हैं वहां पे क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल 5 से 7 दिन तक
क्लोज्ड होना चाहिए, उसमें क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी उसके जो गैस उसमें बन रही हैं या उसमें जो भी कंटेंट है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि इंसेक्ट क्या नहीं कर सकता, ज़्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन देखो, अगर हम चाहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहें, ठीक है, अगर हम इन स्टोर ग्रेन पेस्ट का क्या करना चाहें, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहें, तो भैया बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए देखो क्या किया जा सकता है। मैनी नेचुरल एनिमीज, मैनी नेचुरल एनिमीज जैसे कि प्रीडेटर्स, पैरासिटॉइड्स, निमेटोड्स और पैथोजन, ठीक है, यानी प्रीडेटर, पैरासिटॉइड, निमेटोड और पैथोजन जो है, इनका हम यूज किसके लिए कर सकते हैं भैया, इनका जो यूज किया जाता है ये आपके किसके लिए किया जाता है, ये जो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स हैं, मतलब बायोलॉजिकली इस इंसेक्ट को हम मैनेज इससे कर सकते हैं। तो देखो, हैव आल्सो बीन स्टडीड एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल अगेंस्ट खपरा बीटल, जैसे कि एंटोमा पैथोजेंस की हम बात करें तो क्या हो गया, माटेसिया ट्रोगोडर्मा। माटेसिया ट्रोगोडर्मा क्या है भाई, एक तरीके का प्रोटोजोवा है, ठीक है, माटेसिया ट्रोगोडर्मा इज ए काइंड ऑफ प्रोटोजोवा। देन मेटारिजियम एनिसोपोली, मेटारिजियम एनिसोपोली इज अ काइंड ऑफ फंगस। सो दीज आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर कैन बी यूज एज बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट फॉर द कंट्रोल ऑफ खपरा बीटल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है हमारी आज की क्लास है, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, जो भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलीफेगस इंसेक्ट है यानी कि खपरा बीटल है, जो आपके एग्जाम के अंदर कई बार जो है पूछा जाता है, इसको क्या कहा जाता है भाई, खपरा बीटल कहते हैं। यहाँ से एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन जो आपके जरूर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम नेक्स्ट इंसेक्ट देखेंगे पॉलीफेगस। आज ही क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।